नमस्कार, मैं हूं वसीम अकरम। हाजिर हूं मैं इस वक्त की सबसे बड़ी खबर के साथ सीआईबी इंडिया न्यूज पर। चंद्रगुप्त मौर्य को याद करते हुए उनकी जयंती मैत्रीय प्रगति मंच द्वारा धूमधाम से मनाई गई। इस दौरान आजमगढ़ शहर के शांति नर्सिंग होम के पास एक कार्यक्रम का भी आयोजन किया गया, जिसकी अध्यक्षता आरएस कुशवाहा ने की। इस दौरान उन लोगों द्वारा शाहगढ़ क्षेत्र में 3 मूर्तियों का अनावरण भी किया गया, जिसमें सम्राट अशोक, सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य और महात्मा बुद्ध की मूर्ति शामिल रही। कार्यक्रम के दौरान लोगों ने बताया कि तीनों महान शासकों की याद में इन मूर्तियों को लगवाया गया है, ताकि आने वाली पीढ़ियां इनके संदेशों और इनके बारे में जान सकें, क्योंकि अब समय आ गया है जब महापुरुषों के बताए गए रास्ते पर चलकर ही देश को आगे बढ़ाया जा सकता है। मौर्य समाज के जो शासक थे, सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य, जिन्होंने मौर्यकालीन युग की बुनियाद रखी थी, सबसे पहले राजा थे सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य की। आज ये सारा उमड़ा हुआ जन सैलाब उनकी जयंती मना रहा है, और आज के इस मौके पे सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य, सम्राट अशोक और तथागत भगवान बुद्ध, तीनों महापुरुषों की मूर्ति का अनावरण का कार्यक्रम भी आज संपन्न हुआ है। उद्देश्य ये है कि मौर्य समाज का शासन 125 साल से ज़्यादा भी इस देश पर रहा है। सम्राट अशोक, जिनके नाम का सिक्का आज भी चलता है, चाहे इस देश का प्रतीक राष्ट्रीय पशु शेर, राष्ट्रीय पक्षी मोर, आज भी इस देश का प्रतीक है, जो मौर्यकालीन युग के प्रतीक हुआ करते थे। तिरंगे झंडे पे जो आज धम्म चक्र देखते हैं, सम्राट अशोक का चक्र है। सम्राट अशोक की लाठ विदित है पूरे देश में, कितना भी बड़ा अधिकारी हो, राष्ट्रपति हो, प्रधानमंत्री जी हो, मुख्यमंत्री हो या जिले के बड़े अधिकारी हो, सबके शीश पर अशोक की लाश स्थापित रहती है। वो सब हमारे महापुरुषों के प्रतीक हैं। कई वर्षों की तरह इस वर्ष भी चंद्रगुप्त मौर्य की जयंती का आयोजन किया गया। पिछले वर्ष भी किया गया था, उसके पहले भी किया गया था। आज ये जनसभा रैली चंद्रगुप्त मौर्य की जयंती के उपलक्ष्य में है। उसके साथ साथ हमारी संस्था ने इस बार, पिछली बार हम लोगों ने तय किया था कि अपने महापुरुषों की, जैसे चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक मौर्य, जो भी मौर्य समाज में जन्मे संत गुरु महापुरुष हैं, उनकी प्रतिमाएं हम लोग जिला मुख्यालयों पे और दूसरे क्रम में ब्लॉकों तक ले जाने का काम करेंगे। तो एक साल के अंदर, पिछली साल जो हम लोगों ने रातल पे लाने का काम किया गया, इस जयंती में उस मूर्ति का अनावरण भी समाज के लोगों ने किया है। अगर आपको हमारी खबर अच्छी लगी तो खबर को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। साथ ही स्क्रीन पर दिख रही घंटी को दबाएं, ताकि आप तक हमारी सभी खबरों के नोटिफिकेशन पहुंचते रहें।